हमारी पृथ्वी एक घंटे में 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से इक्वेटर पर घूमती है, और ये तो हमें पता ही है कि हम सभी लोग भी उसके साथ घूम रहे हैं, और इसका हमें एहसास भी नहीं होता क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ओशियन अर्थ के साथ कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। लेकिन हमारी ये घूमती हुई पृथ्वी किसी कारण से रुक गई तो क्या होगा? नासा के अकॉर्डिंग ऐसा रियलिटी में अगले लाखों करोड़ों सालों तक होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इमेजिन करो कि ऐसा होता है तो क्या इम्पैक्ट होंगे इसके। इसमें दो पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली कि अर्थ का घूमना सडनली यानी एकदम से रुक जाए। अगर ऐसा हो तो पृथ्वी के रुक जाने पर भी हमारा एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमता रहेगा, जिससे सारी चीज़ें जो धरती पर हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तेज चलती हुई कार में अगर अचानक से ब्रेक लगा दें तो उसमें बैठा हुआ आदमी आगे की तरफ धक्का महसूस करेगा। यह इमेजिन करो कि आपके सामने की जो दीवार है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी तरफ आ रही है। इसी तरह से घूमती हुई पृथ्वी अगर अचानक से रुक गई तो धरती पे सारे लोग, बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, बड़े बड़े पहाड़, सबको इतनी ज़ोर से धक्का लगेगा कि वो ज़मीन से उखड़ के हवा में उड़ने लगेंगे। हाँ, ये ऑब्वियस है कि वो हवा में इतनी ऊपर नहीं उड़ पाएंगे कि स्पेस में चले जाएं, क्योंकि स्पेस में जाने के लिए 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन लोगों का क्या होगा जो उस वक्त प्लेन में सफ़र कर रहे होंगे। तो वो लोग भी ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के अचानक से रुक जाने पर उनको शक्तिशाली हवाओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि इतनी तेज होंगी कि फ्रिक्शन से उनके सामने आने वाली सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इन शॉर्ट, धरती पर सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, कि अगर अर्थ ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे घूमना बंद करे तो ऐसे में इसका असर पहली वाली सिचुएशन से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर की स्पीड भी ग्रेजुअली कम होगी। ये तो हमें पता ही है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसकी वजह से हमें एक दिन में ही दिन और रात दोनों का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि घूमते हुए अर्थ की जो साइड सन की तरफ होती है वहाँ दिन होता है एंड दूसरी साइड रात होती है, और यही साइकिल कंटिन्यू होता आ रहा है। लेकिन अगर धरती धीरे धीरे घूमना बंद कर रुक गई तो हमें जो एक दिन में देखने को मिलता है शायद उसको होने में एक साल लग जाए, मतलब एक जगह पे दिन से रात होने में करीब 6 महीने लग जाएंगे। कई जगह तो कई दिनों तक सुबह जैसा मौसम रहेगा एंड कई जगहों पर कई दिनों तक शाम जैसा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी एक ऑर्बिट का चक्कर 365 दिन यानी एक साल में पूरा करती है। ऐसी सिचुएशन में जो सीजन है उन पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशली उन रीजन्स पर जो इक्वेटर पर लाई करते हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ है उधर लोगों को बहुत ज़्यादा गर्म मौसम से जूझना पड़ेगा, एंड दूसरा हिस्सा जो सूरज की तरफ नहीं है वहाँ लोगों पर सुन्न कर देने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, और शायद एनिमल्स एंड दूसरे क्रिएचर्स के लिए तो सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तबाही यहीं तक खत्म नहीं होगी। पृथ्वी ने अगर घूमना बंद कर दिया तो शायद पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाए, जो कि अर्थ को सूरज से आने वाली सोलर फ्लेयर्स एंड खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, जो अगर पृथ्वी तक पहुंच गई तो धीरे धीरे सब कुछ तहस नहस कर देंगी। और फिर भी कोई इंसान इन सब चीज़ों से बच गया तो उसे साइंटिफिक तरीकों से रहने लायक जगह ढूंढनी पड़ेगी एंड लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब एक अच्छी बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा लाखों करोड़ों सालों तक नहीं होने वाला है, सो रिलैक्स।